Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ash Joshi, and you are watching me on the channel of Achievai. So here it is 29th of August 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, the first news is states can apply to UGC for extension of exam deadline, said Supreme Court. Their powers under DM Act do not extend to promotions without test, it says. Okay, and the states are empowered under the Disaster Management Act to override the University Grants Commission, it means UGC, exam guidelines in order to protect human lives and COVID-19 pandemic according to Supreme Court. On Friday, they announced that when the State Disaster Management Authority and the state government take a decision that for mitigation or prevention of disaster, it is not possible to hold physical examination in state. The decision is within the four corners of Disaster Management Act 2005. A three-judge bench led by Justice Ashok Bhushan upheld the power of a state and its disaster management authority to countermand the revised UGC guideline of July 6 to conduct the final year and terminal semester examination by September 13. Saving lives paramount. In case of a disaster, the priority of all authority under the Disaster Management Act. Here we are talking about the Disaster Management Act, and it is said that if states want the extension of exam deadline, then they have to go through the UGC. They can apply to the UGC. Okay, but the court held that the powers of the state under the Disaster Management Act do not extend to promoting students to on the sole basis. If states, it means states, अगर अपने स्तर पे, अपने level पे DM powers के authority के तहत अगर ये कोशिश करते हैं कि वो students को promote कर दें या ऐसा कुछ भी हो जाए जो final decision ले ले वो लोग, तो ये नहीं कर सकते. अगर उन्हें ऐसा कुछ भी करना है कि exam extend करने या final decision से कोई भी decision लेना है, तो उन्हें उसके लिए UGC की तरफ रुख करना होगा, मतलब UGC में apply करना होगा. उसी के basis पर वो decision ले पाएंगे. ठीक है, ये जो decision है, अभी जो जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, या हालांकि ये भी देख सकते हैं कि कोविड-19 के चलते काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. अगर कोई भी किसी भी तरीके के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोसीजर को फॉलो करना होगा. तो इस तरह का डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में कहा गया कि जिस तरह का डिज़ास्टर होता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन को या एग्जाम डेडलाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज उससे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है हेल्थ इशूज़. बट हेयर इट इज़ सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके लिए उनका ये कहना है कि अगर स्टेट्स अपने स्तर पे कोई भी डिसीजन लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता, उसके लिए उसे यूजीसी में जो है अप्लाई करना होगा. ठीक है, सिक्स स्टेट्स मूव सुप्रीम कोर्ट ऑन नीट जी. छह स्टेट्स ऐसे हैं जो कि अभी आपको पता ही होगा कांग्रेस काफ़ी सपोर्ट कर रहा है नीट जी के एग्ज़ाम को एक्सटेंड करने के लिए, और इसी के लिए वो जो सोनिया गांधी है वो सेवन स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ में जो है सेवन स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ में वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई हैं. उन्होंने रुख लिया, उसी के साथ में मीटिंग भी की है, और उन्होंने पर्सनली नीट के एग्ज़ाम्स को एक्सटेंड करवाने की बात कही है. ठीक है, MPs to be asked to take COVID-19 test 3 days before session. और MPs से भी ये कहा गया, जैसा कि मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके चलते मानसून सेशन के स्टार्ट होने से पहले ये डिसीजन जो है लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि MPs जितने भी हैं उन्हें COVID-19 टेस्ट करवाना होगा 3 दिन के अंदर, जिससे कि सेशन से पहले ये कंफर्म किया जा सके कि जो लोग सेशन में सम्मिलित होने जा रहे हैं वो लोग जो है COVID-19 के पेशेंट ना हो, और जिससे कि ज़्यादा स्प्रेड ना हो पाए विद द मीडियम ऑफ पार्लियामेंट. ओके, तो इस सेशन के कारण या सेशन के थ्रू स्प्रेड ना हो पाए, इसके लिए पहले ही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ले लिया गया है. और लोकसभा स्पीकर ने ये कहा है ओम बिरला ने कि मेंबर जो पार्लियामेंट के हैं उन सभी को सेशन से पहले COVID-19 का टेस्ट लेना होगा. ठीक है, जस्ट सेशन से 3 दिन पहले तक उनका टेस्ट हो जाना चाहिए और उनकी रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए. तो ये जो डिसीजन है ये लिया गया है रिसेंटली. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज पुलिस पब्लिक ऑर्डर सेंट्रल कैडर अंडर जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर. यूनियन
गवर्नमेंट नोटिफाइज फंक्शंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं आपको बता दूँ जम्मू कश्मीर जो कि 2019 अगस्त के अंदर जो है 370 से हटाकर स्पेशल कैडर से रिमूव कर, स्पेशल जो कंसिडरेशन थे उन्हें रिमूव कर दिया गया था और उन्हें एक नया कैडर दे दिया गया था जिसके अंदर जम्मू और कश्मीर सॉरी लद्दाख और कश्मीर दो टेरिटोरियल जो है यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दी गई थी, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर लिया गया है और उनके फंक्शंस को नोटिफाई किया है यूनियन गवर्नमेंट ने। यूनियन होम मिनिस्टर ने फ्राइडे को नए रूल्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लागू किए हैं गवर्नर जनरल के लिए, स्पेशली जम्मू कश्मीर के गवर्नर जनरल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सॉरी गवर्नर जनरल नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये आदेश जारी किए हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने आदेश जारी किए हैं कि नए रूल्स को लागू किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पॉलिटिकल पब्लिक ऑर्डर्स ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन विल फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके इम्प्लाइंग दैट द सीएम ऑफ और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव नो से इन देयर फंक्शनिंग। द रूल नोटिफाइज बाय होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला सेज दैट प्रपोजल्स और मैटर्स विल इफेक्ट और आर लाइकली टू बी इफेक्ट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी और द इंटरेस्ट ऑफ एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एंड द ओबीसीज एससीएसटीज एंड ओबीसीज shall essentially be submitted to the Lieutenant Governor through the Chief Secretary under intimation on the to the CM before issuing any order. So somewhere we can see that Jammu Kashmir का जो एक administrative department है उसे prepare किया जा रहा है, उसके लिए जो functions है Governor Lieutenant Governor के उसे decide कर दिए गए हैं। 39 departments को issue किया गया है जिसके अंदर higher education, agriculture, school education, हॉर्टिकल्चर इलेक्शन एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम, माइनिंग, पब्लिक एंड पावर, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD एंड इन सारे डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्राइबल अफेयर्स, इन सब चीज़ों को, इन सारे डिपार्टमेंट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। 36 डिपार्टमेंट जो है आइडेंटिफाई करने के बाद में फाइनली वी गॉट दैट यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनली जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस को नोटिफाई कर दिया गया है। ठीक है, so it is all about Jammu and Kashmir. The next is realism should shape India's China policy. India ki China se related jo policy hai uske andar realism ko shape dena chahiye, realistic behavior create karna chahiye, aisa kehna hai S Jayshankar ka. Getting India's China policy right will be critical to India's perspective and doing so will require going beyond ट्रेडिशनल एजम्पशंस, सेज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इन अ न्यू बुक। उन्होंने अपनी नई किताब जो है उसके अंदर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चाइना से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनसे उनको जो है राइट लेना या उनसे रिलेटेड कोई भी जो है पॉजिटिव सोच रखना कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। इंडियन असेसमेंट ऑफ चाइनाज राइज एंड द गैप ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर शुड बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट्स प्रोस्पेक्टिव इन कंपैरिजन, बट एट द सेम टाइम वेयर टेस्टेड इट इज़ असेंशियल टू स्टैंड वंस ग्राउंड, आर्ग्यूज मिस्टर जयशंकर इन द इंडियन वे। अ बुक that will be released on September 4. So here it is a new book of S. Jayshankar, that is The Indian Way, which will be released by 4th of September. And in that book, he discussed about the India's China policy. And he said that by taking it positively, it is considerably or it is possibly a very critical aspect of India, so that we can we have to think about it. There is a turning point. A chapter of the book analyzes in detail and the detail the twist and turns in the history of India's relation with China and the road ahead of the for the relationship. So this book is particularly based on India-China relations and its neighboring countries of India and all these things that are respectively managed by the time and all these situation that all these managed things are somewhere, you know, in risk factor as of now with the China in relation to the China. We can say that the relation between China and India and the India's policy towards China is somewhere
not that much realistic as we are shaping it. Okay, so somewhere this is a fact that the it is a critical point of view of India that we have to go through some realistic nature, we have to go through some realistic behavior so that we can face the China and we can go through the real situation of country. Okay, so it is all about it. The next is targeting Hezbollah. Hezbollah is going to be targeted. Israel and the Shia militia should not risk a wider war by engaging in targeting attacks. The Israel attack on Hezbollah targets on southern Lebanon following what is called cross-border fires mark a significant escalation in the crisis that has been building up along the border in recent years. Hezbollah, a Shia militia cum political party in Lebanon, it is a political party that is militia cum political party, and here it is in Lebanon and Israel, which have fought two wars before. Okay, have been observing a 10-year ceasefire on 14 years. Tensions began after Israel's targeting in Iranian weapons and supplies within Syria. ये tension तब create हुई जब Israel जो है वो target कर रहा है Iranian weapons को और जो सब वो जो कि supply हो रहे हैं Syria में. Okay. Israel fears that Iranian supplies to Hezbollah via Syria, where the Shia militants fought alongside resigned fighters against rebels and Sunni jihadists, would leave them stronger, enhancing Israel's security challenging in northern border. In July, a Hezbollah commander was killed in an Israeli raid in Syria. So somewhere देखिए हो क्या रहा है. Syria जो है, Syria और जो हम कह सकते हैं कि देखिए Iran और Syria और Lebanon और Israel, ये चार जो particular places हैं, particular situations यहाँ create हो रही है. बेसिकली इसराइल जो है, इसराइल और जो है लेबनान के बीच जो कनेक्शन है, और वहीं पे जो ईरान और सीरिया के बीच कनेक्शन है, उनको यहाँ पे दर्शाया गया है. इसराइल टारगेटिंग ऑफ ईरानियन वेपन्स जो कि एंड सप्लाईज विद इन सीरिया, वो टारगेट कर रहे हैं. इसराइल टारगेट कर रहा है ईरान के वेपन्स को और सप्लाई करने की कोशिश करेगा सीरिया में. ओके, जबकि इसराइल को ये डर है कि जो ईरानियन सप्लाई है हिजबुल्ला को वाया सीरिया, वेयर द शिया मिलिटेंट्स जो है वो उसको, देखिए यहाँ ईरान और इराक जो है वहाँ पे दोनों ही जगह पे समवेयर जो है हम कह सकते हैं इसराइल और ईरान इनके बीच में शिया और सुन्नी के का एक बहुत बड़ा इशू रहता है. शिया सुन्नी मुस्लिम्स की कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती. कहीं ना कहीं रिलीजन बेसिस पे आके जहाँ अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती, वहाँ या तो पीछे हट जाना चाहिए या कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको सॉल्व कर लेना चाहिए. तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं इन कंट्रीज़ के बीच में. शिया और सुन्नी जो है उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं. वेयर इज वी कैन से दैट वी दे हैव टू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स. द पास्ट टू वॉर सजेस्ट दैट इट वुड नॉट बी ईजी फॉर इसराइल डिस्पाइट इट्स मिलिट्री माइट. इसराइल की मिलिट्री पावर होने के बावजूद भी उनके लिए ईजी नहीं है कि वो कोई भी बैटल के अंदर हिजबुल्ला फाइटर्स को हरा सके. ठीक है, हिजबुल्ला दूसरी तरफ अगर हिजबुल्ला की बात करें तो ये उनके लिए इसराइली अटैक पॉसिबल है, लेकिन लेबनान जो है ऑलरेडी बैटलिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस. लेबनान भी इसके अंदर घसीटा जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जबकि वो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं. ठीक है, एंड हियर वी कैन से दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिल रही है वहाँ पे, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द बेरियत ब्लास्ट जो हुआ है वहाँ, उससे रिलेटेड बात कही जा रही है कि उसके कारण जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये सब चीज़ों से ऑलरेडी जो है वो फाइट कर रहे हैं. इनटू अ वॉर साइट बोथ साइड्स शुड अवॉइड सच एन आउटकम एंड स्टिक to the ceasefire. They should avoid such an outcome. I just told you कि कोई भी जो issue है, कोई भी जो situation है उससे related सबसे बड़ा solution जो होता है वो यही होता है कि या तो आप उस matter को sort out कर दो और कोई ultimate conclusion निकाल लो, ultimate, या फिर आप उसको अंत तक ले जाकर छोड़ो. ठीक है, लेकिन अभी जो situation चल रही है वो negative aspect में क्रिएट कर रहे हैं. ना तो उस मैटर को छोड़ा चला जा रहा है और ना ही उसको फाइनली जो है उसके मामले में डिसीजन लिया जा रहा है. तो हिजबुल्ला को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है बेसिकली.
एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट एंड इसराइल के क्या जो है फाइनली क्या इसराइल जो है जो अटैक कर रहा है हिज़्बुल्ला को या टारगेट कर रहा है लेबनान को भी टारगेट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या इश्यूज चल रहे हैं वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इन प्रॉब्लम्स को इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट इज़ कन्वेंशनल डिसोनेंस, ट्रंप इज़ डिलिबरेटली अलाइनेटिंग माइनॉरिटीज ऑफ ऑल ह्यूज इन हिज री इलेक्शन बिड। देखिए हो क्या रहा है, जो बिडन जो कि नेक्स्ट इलेक्शन के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और जो है यहाँ पे इस तरफ जो है ट्रंप है, दोनों के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वाइस प्रेसिडेंशियल टिकट जो है उसके बारे में बात की जाती है, प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल टिकट्स को लेकर यहाँ बात हो रही है। ठीक है, देर आर फ्यू इवेंट्स इन यूएस इलेक्शन पॉलिटिक्स दैट ऑफर अ मोर प्रेडिक्टेबल डिनाउमेंट या डिनाउमेंट दैट द नेशनल कन्वेंशंस of the two major parties given that the presidential and vice presidential tickets, दो बड़ी parties हैं उनके बीच में जंग चली है और वो भी presidential और vice presidential tickets के लिए, yet even this low bar of dull certainty was scarcely surpassed by the Republican Party as it reaffirmed its faith in a president who has shredded its ideological mourning, okay? Mooring and dug his heels in defending the record of his first time in office, including an impeachment on allegation of abuse. देखिए हो क्या रहा है, समवेयर जो है ट्रंप की अगर बात करें तो वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल वेरी वेल नोन है कि उन्होंने क्या किया है। लास्ट जो टेन्योर रहा है ट्रंप का, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं इस लेवल पे सिर्फ अपने आप को फर्स्ट टाइम करके काफ़ी जगह पे बचाया है और वो सारी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए थी वो करते हुए और जो चीज़ें करनी चाहिए थी उन्हें नहीं करते हुए खुद को डिफेंड करने की कोशिश की है और इससे वहाँ की जनता बिल्कुल उनसे खुश नहीं है। ठीक है, लेकिन कई सारे काम ऐसे किए हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए फॉरेन रिलेशन को मेंटेन भी करते हैं, जैसे कि इंडिया के साथ में काफ़ी ठीक रिलेशन रहे हैं उनके पिछले टेन्योर में, लेकिन अब जो है उनके आपसी, देखिए बाहर फॉरेन कंट्री से रिलेशन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समवेयर आपसी मामलों में आपस में खुद के कंट्री के अंदर डेवलपमेंट और अपने लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ट्रंप वो नहीं कर पाए हैं। इवन इम्पीचमेंट तक की बात आ गई थी और उसे भी उन्होंने फेस किया है, बट हेयर समवेयर वी कैन से दैट अगेंस्ट अ पॉलिटिकल पर्सन हिलारी क्लिंटन के बाद में पहली बार देखा गया है। ठीक है, एंड दिस इज़ दैट ओनली दिस टाइम अगेंस्ट डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट जो बिडन, इन डूइंग सो मिस्टर ट्रंप कंजर्ड अप once again the specters of socialism and globalization that threatened to creep upon the US economy should Mr. Biden prevail in the election 2020, warning that the latter was the destroyer of America's jobs. Okay, हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जो जॉब हैं उससे रिलेटेड अगर जो बिडेन जो है पावर में आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जो जॉब्स हैं हमारी, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रंप ने भी ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए रिसेंटली, जैसे H-1B वीज़ा वाले और इसके अलावा जो जॉब सिक्योरिटीज़ हैं इंडिया की और या दूसरे कंट्रीज़ के लोगों की वहाँ पे, वो भी इफ़ेक्ट हुई है काफ़ी। वहीं पे जो बिडन जो है वो उनसे भी ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आने वाले टाइम में हो सकता है उनके डिसीज़न पर भी भरोसा नहीं गया, तो ये समवेयर वहाँ के लोगों को और वहाँ की जनता को काफ़ी जो है इस मामले में काफ़ी इशूज़ हैंडल करने पड़ रहे हैं इन दिनों। इट इज़ अनलाइकली दैट मैनी अमंग द पार्टी फेथफुल हु thronged to a convention questioned his basic premise regarding the danger posed by the Democratic Party to the economy, that there are jobs aplenty and the pandemic is a thing of the past. Okay, nothing could undermine that assertion more than the fact that unemployment rates are still high and that during the time of the convention more than 3,600 people succumbed to the COVID-19 in the US. As disturbing as the false claims made about the economy and the pandemic were, more deleterious for the
फ्यूचर ऑफ US. सो समवेयर US के फ्यूचर की बात कही जा रही है. ट्रंप और जो बिडेन दोनों को ही यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है, उनको इवेल्यूएट किया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग अमेरिका के जो लोग हैं वो लोग ऑलरेडी जहाँ पे जो ट्रंप है उनको फेस आउट कर चुके हैं, वहाँ पे जो बिडेन को लेकर भी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं और उनसे रिलेटेड जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं. जो बिडेन और ट्रंप के बीच का जो जंग है वो दिखाई दे रही, दो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के बीच में जंग नज़र आ रही है और ट्रंप के भी काफ़ी प्लस और माइनस. देखिए COVID-19 का जो दौर है इसमें काफ़ी लोगों की काफ़ी चीज़ें बाहर भी आई है, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो पॉजिटिव हैं लेकिन वो सामने भी नहीं आई, तो ये सारी चीज़ें भी नज़र आई हैं. लेट्स सी क्या होता है वहाँ की पॉलिटी के अंदर, क्या चीज़ें नज़र आती है वहाँ पे और क्या होता है फाइनली आने वाले टाइम में. रेगुलरली उन्हें ट्रंप को जो है वहाँ के आम जनता से जो है काफ़ी नेगेटिव फीडबैक मिला है अपने काम के लिए और काफ़ी उनका काम भी ऐसा रहा है कि आम जनता को भी अपने वोट्स के प्रति, वोट्स के बदले काफ़ी नेगेटिव फीडबैक मिला है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. ट्रंप इज़ डेलिब्रेटली अलाइनेटिंग माइनॉरिटीज़ ऑफ ऑल ह्यूज इन हिज री इलेक्शन बिड. ओके, सो माइनॉरिटीज़ को फोकस किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर जो माइनर लोग हैं या इन सब चीज़ों को फोकस किया जा रहा है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ अमेरिका. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ इन एक्ट ऑफ गॉड. ये अभी कल ही इन जस्ट टू डेज ये स्टेटमेंट आया है निर्मला सीतारमन फिनेंस मिनिस्टर का कि जो कुछ भी अभी जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं भगवान के कारण है, ये भगवान ने किया है. तो ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं टोल हुई है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी, और काफ़ी उनको जो अपोज किया जा रहा है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो लैकिंग पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं जो है उनको दिखाई नहीं दे रहे और उनको ओवरकम किया जा रहा है, उनके खुद के द्वारा उनको कवर किया जा रहा है. किसके थ्रू? ये कहकर कि ये जो COVID-19 है ये एक्ट ऑफ गॉड है ना. इन ब्रिजिंग द GST गैप द सेंटर ऑट टू हेल्प स्टेट्स थ्रू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसके थ्रू सेंटर को स्टेट्स को हेल्प करनी होगी. इट इज सेड बाय द मनजीत सिंह बादल एंड राजीव गोड़ा. ओके, मनजीत सिंह बादल इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, राजीव गोड़ा इज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड चेयरमैन ऑफ the Congress Party's research department. So they, according to them, it is beyond anyone's imagination that the government of India would invoke the force majeure and clause against to its own people. Unfortunately, this has become reality at a time when every Indian state is massively burdened by the COVID-19 crisis and government has been severely affected. So Nirmala Sitharaman's statement on Thursday that the financial crisis facing financial crisis facing the states is a result of an act of God is symptomatic of the callousness with which the Narendra Modi government treats state governments. Okay, and somewhere देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने टारगेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को. निर्मला सीतारमन जो कि सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है, फिनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, उनका ये स्टेटमेंट है दिस इज़ द एक्ट ऑफ गॉड. आई मीन व्हाट इज़ द इकोनॉमिक पोजिशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इट इज़ द एक्ट ऑफ गॉड. इसको कहीं ना कहीं ट्रोल किया जा रहा है, काफ़ी इशू बनाया जा रहा है इस पॉइंट का और इशू कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी अपने आप में है. एक्चुअली निर्मला सीतारमन जी का ये कहना था कि जो पेंडेमिक हमारे सामने आया COVID-19 ये कहीं ना कहीं भगवान ने, मतलब हमने प्लान नहीं किया था, ये कोई इमेजिनेटरी वो चीज़ नहीं है, हमने कोई इसके बारे में सपोज नहीं किया था लेकिन ये चीज़ अचानक से सामने आई है तो ये भगवान के कारण, भगवान का किया हुआ है, इसलिए इकोनॉमी इतनी डाउन जा रही है. हमें GST जो कि पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है, उसको अगेन जो है उसको अपने पावर में लाने की ज़रूरत है, उसको अगेन ट्रैक पर लाने की ज़रूरत है और उसके लिए जो है उनको कुछ एक्शंस लेने होंगे. सेंटर्स को ज़रूरत है कि वो स्टेट्स को कंसोलिडेटेड फंड में से फंड्स प्रोवाइड करवाए, मनी प्रोवाइड करवाए, जिससे कि वो अपने स्टेट के अंदर अगेन डेवलपमेंट क्रिएट कर सकें, GST क्रिएट कर सकें. ठीक है, सेंटर इज़ एट बेस्ट प्लेस एंड
assurance made here, it is discussed about the equal representations, also equal representatives, and what is the base behind this. This is also discussed here. As equal representatives of the citizens of the Federal Public Republic of Indian India, state governments expected the center to demonstrate empathy. देखिए ये चीज़ fact है कि चाहे कितना भी loss हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, state government जो है वो demand करती है या expect करती है central government से, और ये fact है. अगर घर में किसी बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपने से बड़ों से डिमांड करेगा, ना कि पड़ोसी से जाकर डिमांड करेगा या खुद से उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करेगा. तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है फंड्स की, बिकॉज उनके पास में फंड्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना है. क्योंकि कोई इकोनॉमी जो है स्टेट्स में बहुत अच्छी जनरेट नहीं हो पा रही है, तो इन चीज़ों को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ज़रूरत है कि वो फंडिंग करें, ठीक है, और ना कि एक्ट ऑफ गॉड कहकर इस चीज़ से बचे या इस तरह की चीज़ों को जो है लाइमलाइट करे जो कि अनयूजुअल सी है या हम कह सकते हैं यूजलेस सी है, अनवैल्यूएबल जिसे कह सकते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. जीएसटी जो पूरी तरीके से डाउनवर्ड्स जा चुका है, पूरी तरीके से बॉटम पोजिशन पर जा चुका है, उसे टॉप पर लाने के लिए अब एक ब्रिज क्रिएट करना होगा. उस ब्रिज के लिए आप ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते दिस दैट दिस एक्ट ऑफ गॉड. We have to go through some corporations and we have to cooperate each other, and along with that center have to give funds to, or center should give funds to the states, and so that states can create their own economy. Okay, so these were the lines of Manpreet Singh Badal and Sir Rajiv Govra, and this is said in this particular article. The next article is based on national well-being and the counts that matter. नेशनल वेलबींग को यहाँ डिस्कस किया गया है और हर एक काउंट जो कि मैटर करता है उसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है. एज डिसेंशियल सेंसस ऑपरेशंस आर लिमिटेड, इंडिया नीड्स न्यू वेज टू नो इट्स क्यूमुलेटिव ह्यूमन कैपिटल एंड पोटेंशियल. अब क्योंकि हम बिल्कुल एक नए मोड़ पे आके खड़े हो गए, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, हमारी इकोनॉमी कैसे बिल्डअप होगी, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता. तो अब हमें क्योंकि नेशनल वेलबींग की ज़रूरत है, हमें एक इस तरीके के एटमोसफेयर को क्रिएट करने की ज़रूरत है जो आने वाले टाइम में हमारी मैन पावर को यूज़ करते हुए हम जिसे एक बहुत बेस्ट वे में कंट्री को ले जा सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को एज वेल एज मैन पावर को, ठीक है. तो यहाँ पे जो वैल्यूबल पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस किया गया है, उसके साथ में बर्थ्स इन द कंट्री एज वेल एज हाइट वेट प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए उन्हें यहाँ डिस्कस किया गया है. इम्प्रूव्ड लर्निंग को भी डिस्कस किया गया है, अलोंग विद दैट टाइमली डेटा हेल्प्स को भी डिस्कस किया गया है, ठीक है. सो हेयर सिंस इंडियाज क्राइम्स डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम इज़ नॉट बिल्ट टू कैप्चर सब टाइम. देखिए अब क्योंकि ऐसा टाइम क्रिएट हो गया जिसमें इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, दे आर गोइंग टूवर्ड्स द क्रिमिनल फैक्टर्स बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड, दे आर नॉट गेटिंग एनी अमाउंट और दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब, सो दैट दे आर गोइंग थ्रू द क्रिमिनल एक्टिविटीज़. तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करते हुए हमारी आम जनता को इस लेवल पर लेके आना होगा हमें, हमारी मैन पावर को इस तरीके से यूज़ करना होगा हमें कि आने वाले टाइम के अंदर एक प्रॉपर जो है सिनेरियो कंट्री का क्रिएट कर. देखिए बिल्कुल ज़ीरो पे आके खड़े हो गए हैं, अगर इकोनॉमी की बात करें तो भी और मैन पावर की बात करें तो भी, सिक्योरिटी की बात करें तो भी बिल्कुल ज़ीरो पे आके खड़े हो गए हैं. तो अब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि देखिए बहुत सारी इश्यूज़ हैं, मेंटल फिजिकल वॉयलेंस जो है देखने को मिला है COVID-19 के चलते, प्रेगनेंसी इश्यूज़ देखने को मिले हैं, एजुकेशनल इश्यूज़ जो है देखने को मिले हैं, और कैसे इंडिविजुअल ने अपनी अपनी कंडीशंस को, फिनेंशियल कंडीशंस क्राइसिस को संभाला है ये भी देखने को मिला है, और इसके साथ में मैरिज जो है वो भी किस तरीके से इफेक्ट की गई है वो भी देखने को मिला है. बेसिकली आज इस आर्टिकल में जो टारगेट किया गया है वो प्रेगनेंसीज को टारगेट किया गया है ना. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है कि क्या इशू है नेशनल वेलबींग के लिए, क्या मैटर करता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है. टुगेदर दीज मेजरमेंट्स, ये जो मेजरमेंट्स यहाँ दिए गए हैं, हाइट वेट मेजरमेंट या फिर इम्प्रूव्ड लर्निंग या बर्थ रेट के बारे में डिस्कस किया गया है इन कंट्री की, या जो वैल्यूबल पैरामीटर्स हैं उन्हें बताया गया है, तो उन सबको अगर उन सारे मेजरमेंट्स को डिस्कस करने के बाद में फाइनली हम ये कह सकते हैं that where we are and where we as a nation will go, हम कहाँ हैं और as a nation हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. The tools to get these measurements exist
We just have to see them in real time to be able to take corrective actions where needed. Public health is about people, their continued well-being, and not just about controlling disease outbreak. Data helps timely disaggregate, and multidimensional data helps immensely in ensuring collective well-being, physically, mental, and social. Okay, people are India's greatest possession and will remain so far for the coercive future. And provided they are in a state of well-being, all ill-educated and anxious population is a tinderbox, capable too of harmful as well as being kindling of malaise-driven mobilization. Addressing these this requires a whole of the country and whole of the society approaches, and measuring the outcomes that measures or that matters regularly. Hopefully, 2017 edition of the National Public Health Policy and the new education policy unveiled last month will be the twin rails that India rides toward a true democratic dividend. True democratic dividend के तौर पे हम जिस तरफ जा रहे हैं, तो दो जो है अलग अलग रेल की पटरी है. जिस तरह का 2017 के एडिशन की नेशनल हेल्थ पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस किया था, और वहीं पे 2020 में लॉन्च हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं जो है दो अलग अलग ट्रैक पर जाती है, दो अलग अलग गाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल डिफरेंट वेज पे जा रही है. एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट, एंड आर गवर्नमेंट एंड आर नेशन नीड टू वर्क ऑन इट. एंड जिस तरह के सेंसर्स क्रिएट हो रहे हैं, जिस तरह के ऑपरेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो सेंसर्स हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं हमारी कंट्री को लेकर, हमारे काउंट्स को लेकर और हमारे वेलबींग को लेकर. सो नेशनल वेलबींग जो है वो मैटर करता है, और कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव एस्पेक्ट में जा रही है. पॉपुलेशन के चलते प्रेगनेंसीज देखी जा रही है इन दिनों, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे क्रिएट करती है, नेगेटिव वे में कंट्री को लेके जाती हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. आज के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं थे उन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस किया. उससे रिलेटेड कोई भी इशू है आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए. मैं आई एम अवेलेबल हेयर टू आंसर यू. यू कैन गो थ्रू आर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम न्यूज़ आर्टिकल्स डेली जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मिलते रहें. उसी के साथ में हमारी वेबसाइट है www.achievis.com, उसे भी ज्वाइन कीजिए. और फिर भी कोई इशू क्रिएट होता है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे. सो डोंट फॉरगेट टू गो विद दिस, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो एज वेल एज चैनल एज वेल एज मी. बाय बाय, टेक केयर.